नमस्कार प्रिय मित्रों, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह सिलेबस लाया गया है। मित्रों, इसमें हम लोग सेमेस्टर वाइज जो भी दिए गए हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। इसमें पहले सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, इन सब की चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, वीडियो को लास्ट तक आप बने रहें क्योंकि हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे जो आपको काफ़ी मददगार होंगे। और रही बात अगर बीएससी कर रहे हैं तो ये चीज़ें जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये जो सेमेस्टर सिस्टम है मित्रों, ये जानते हैं, ये आईसीआर 5th डीन कमेटी द्वारा जो कमेटी रिपोर्ट की है उसका है, और ये हर एक प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट कॉलेज हर जगह पर लागू कर दिया गया है। तो 5th डीन कमेटी रिपोर्ट के माध्यम से इसे प्रस्तावित किया गया है और यह आईसीआर का है सिलेबस। तो इसमें मित्रों ये हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में लागू हो चुका है, आप किसी भी कॉलेज में हो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर जो न्यू कोर्स लागू किया गया है पहले सेमेस्टर का यानी फर्स्ट सेमेस्टर का, इनके सब्जेक्ट को चर्चा कर लेते हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ने होंगे। प्रिय मित्रों, आपको ये बात ज़्यादा ध्यान में रखनी होगी कि फोर ईयर का आपका कोर्स होता है और इन फोर ईयर में आपको लगभग 8 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। तो 8 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं, इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए कि एक साल में 2 सेमेस्टर आपको पढ़ने होते हैं। तो पहले सेमेस्टर में आपको लगभग 10 से 11 सब्जेक्ट मिल जाएंगे जो मुख्य रूप से रखा गया है। 10 ही सब्जेक्ट रखे गए हैं, एक सब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा आपको एक सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में मिलते हैं वो लगभग आपका एक प्रैक्टिकल होता है या फिर कई किसी सेमेस्टर में एक्स्ट्रा रख दिया गया है। बाकी आपका जो देखा जाए तो हर एक सेमेस्टर में लगभग 10 सब्जेक्ट होते हैं। लगभग आपके जो टोटल सब्जेक्ट की बात किया जाए तो 70 प्लस से सब्जेक्ट हैं। आप पहले सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ेंगे, इसमें आप बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, सिर्फ फंडामेंटल पढ़ने वाले हैं, इसमें डीप जानकारी आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी में जो आपने इंटर में पढ़ाई की है वो पढ़ें, और हाँ, जो मित्र इंटर में मैथ या बायो के स्टूडेंट थे उनको अलग से पढ़ाया जाता है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री मैथ की जगह उनको पढ़ाया जाता है और बायो की जगह बायो के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे पहला फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जिसमें आपको थियरी, प्रैक्टिकल और जो वाइब मिड होता है वो मिल जाएगा। इसमें आपको थियरी, प्रैक्टिकल और मिड मिलता है मित्रों। ये जो मिड होता है 20 नंबर का होता है, आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि आप 12वीं पास करके आए हैं और आपको अभी मिड नहीं पता होगा। तो मिड हम आपको बता दें कि मिड एक ऐसा होता है जो आपको पढ़ाने के बाद गुरु जी द्वारा लिया गया टेस्ट होता है, उसी को मिड कहते हैं। 20 नंबर का होता है, प्रैक्टिकल भी होगा आपका और थियरी तो होगा ही होगा। तो इन सब में आपको पास होना जरूरी है क्योंकि कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आप तीनों में फेल होते हैं तो फिर आप फेल ही हो जाएंगे, इसीलिए तीनों में पास होना कंपलसरी हो गया है। फंडामेंटल आप जेनेटिक्स मिल जाएगा, बाकी आपको ये क्रेडिट अगर देखना नहीं आता हो तो क्रेडिट बता दे। बाकी आपको थियरी, प्रैक्टिकल और मिड आपको पता ही चल गया है, ये टोटल पूर्णांक की बात हो गई, आप देख सकते हैं और ये कितने नंबर के हैं ये आप देख सकते हैं, बात हो चुकी है। बाकी एग्रीकल्चर 101, एग्रीकल्चर 102, एग्रीकल्चर 103, एग्रीकल्चर 104, एग्रीकल्चर 105, एग्रीकल्चर 106, इसकी बात कर लिया जाए मित्रों, तो ये सब्जेक्ट के कोड हैं। ये जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर 101 यानी कोड जो फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का था, एग्रीकल्चर 101 है। अगर सेकेंड सेमेस्टर में अगर एग्रोनॉमी का कोई सब्जेक्ट आता है तो एग्रीकल्चर 102 हो जाएगा, इसी का कोड बढ़ता हुआ चला जाएगा। ऐसे ही 8 सेमेस्टर तक कोड बने हुए हैं। बाकी अब क्रेडिट की बात कर लिया जाए तो इसमें 3 क्रेडिट इसलिए दिया गया है कि मित्रों 2 जो होगा इसमें लिखित होगा और एक थियरी प्रैक्टिकल होगा, तो इस प्रकार इसकी क्रेडिट दी जाती है। तो इसमें 3 है, 2+1 है, तो यानी 2 थियरी प्रैक्टिकल और मिड शामिल है, थियरी प्रैक्टिकल और मिड शामिल है। और जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में, तो इसमें थियरी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, मिड भी होगा, लेकिन जो एक आपका वाइबा से संबंधित चीज़ें हैं उसमें से एक चीज़ें आपको हटा दी जाएगी। अगर हटाती नहीं है तो उसमें आपको थोड़ा सा नंबर देके आपका लिया जाएगा, यानी आपका जो थियरी और प्रैक्टिकल होगा उसी मिड में ही शामिल होगा, मिड जो होगा आपका अलग से नहीं कराया जाएगा। बाकी मिड जो होगा प्रैक्टिकल का ही एक रूप होगा, आप यहाँ पे इतना समझ जाइए। बाकी ऐसे ही आपका सभी चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे हेरिटेज देख सकते हैं, हेरिटेज में केवल आपका 1 लिखा है, तो मतलब आपका 1 पेपर होगा और ये गुरुजी द्वारा जो 20 नंबर का लिया जाएगा तो वो आप मान लीजिए कि आपका पेपर ही है, ना कि आपका पेपर। जो मिड है एक प्रकार से हमने बताया था मिड कि आप गुरुजी द्वारा लिया गया टेस्ट, तो गुरुजी द्वारा ले लिया जाता है उसे, और जो पेपर आपका होता है
यूनिवर्सिटियों द्वारा लिया जाता है। बाकी फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स हो गया, फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री हो गया, फंडामेंटल ऑफ हार्टिकल्चर हो गया, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री हो गया, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री हो गया, कम्प्रिहेंसिव एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश हो गया, एग्रीकल्चर हेरिटेज हो गया, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक बेसिक एग्रीकल्चर सेकंड। तो मित्रों अब यहाँ पे पहले सेमेस्टर के यहाँ पे दो पॉइंट मैथ और बायो के बच्चों के लिए अप्लाई होगा, क्योंकि इनको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हम आपको बता देंगे इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी पढ़ेंगे। अगर आप इंटर कक्षा 12 एग्रीकल्चर से थे तो इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी पढ़ेंगे, अगर आप कक्षा 12 जो कि मैथ बायो से थे तो बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट पढ़ेंगे, अगर कक्षा 12 आप मैथ से थे मैथ जो यहाँ पे अगर बात कर लिया जाए मैथ से थे तो बेसिक एग्रीकल्चर सेकंड पढ़ेंगे, अगर मैथ से नहीं से थे एग्रीकल्चर से थे तो एलिमेंट्री मैथमेटिक पढ़ेंगे। तो यानी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, और जो यहाँ पर मैथ और बायो के बच्चे आ जाते हैं तो ये बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट और बेसिक एग्रीकल्चर सेकंड की बात आ जाती है, उनको करना होता है। बाकी यहाँ पर एनएसएस की बात कर लिया जाए, एनएसएस एनसीसी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा प्रैक्टिस, तो इसमें से एक आपको लेना ही पड़ेगा मित्रों, ये प्रैक्टिकल का रूप है तो आपको इसमें एक लेना ही पड़ेगा। बाकी सेकेंड सेमेस्टर की बात कर लें, सेकेंड सेमेस्टर की मित्रों बात कर लिया जाए तो सेकेंड सेमेस्टर में फंडामेंटल आप क्राफ्ट फिजियोलॉजी आ जाएगा। बाकी ये चीज़ें आपको हमने बताया था, आई का मतलब भी बताया था कि इंटरनल असेसमेंट या मिड टर्म असेसमेंट होता है, ये इंटरनल होता है मिड टर्म में जिसे आप कहते हैं। बाकी फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस मिल जाएगा, फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड इंजीनियरिंग, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पीसीज, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ह्यूमन वैल्यू एंड इथिक्स, ये इतने सब्जेक्ट आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिल जाएंगे। थर्ड सेमेस्टर की बात कर लिया जाए मित्रों तो थर्ड सेमेस्टर में आपको भी कई सारे कोर्स मिल जाएंगे, जो कि हमने इन सबको बता ही दिया है कैसे जा समझना है, बाकी कोड भी बता दिया है। जैसे कि हमने बताया था एग्रीकल्चर 301 आ गया, 302, 303, यानी मतलब जैसे ही आप जाएंगे कोड बढ़ता चला जाएगा। अभी फोर्थ सेमेस्टर में ये जो 300 है ये 400 हो जाएगा। तो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप, प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन फर्स्ट खरीफ क्रॉप, ये प्रैक्टिकल होगा 100 नंबर का होता है मित्रों, जिसमें से आपको फसल बोई जाती है उसमें कोई भी एक फसल खरीफ क्रॉप की बुआ दी जाएगी जिसका नंबर आपको मिलेगा। फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी रहेगा, एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशन रहेगा, फार्म मशीनरी एंड पावर रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट रहेगा, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रहेगा, स्टैटिकल मेथड रहेगा, डेयरी साइंस रहेगा, मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट रहेगा, और बाकी जो इतना आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये फिफ्थ सेमेस्टर में पहले नहीं था मैनेजमेंट बेनिफिशियल इंसेक्ट, लेकिन फिफ्थ डीन कमेटी जो ICAR का सिलेबस आया है बेनिफिशियल इंसेक्ट ऐड कर दिया गया। बाकी फोर्थ सेमेस्टर में देख लिया जाए मित्रों आपको सारी चीज़ें वही मिल जाएंगी, सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, आप ये सब सारी चीज़ें समझ ही सकते हैं। जैसे कि आप कोड देख सकते हैं 401, 402, 403 बाकी कोड हैं, बाकी आप सब्जेक्ट देख सकते हैं कि आपको जो इंपॉर्टेंट है कब सब्जेक्ट, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड रबी क्रॉप है, प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन सेकंड रबी क्रॉप, प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड रियर मैनेजमेंट, पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड रियर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स MAP एंड लैंड स्केपिंग, तो इंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्टरी एग्रोमेटोलॉजी एंड क्लाइमेटिक चेंजेस, एग्री इन्फॉर्मेटिक में आपको मित्रों कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा कंप्यूटर पढ़ने के लिए, और प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो ये फोर्थ सेमेस्टर के थे, फिफ्थ सेमेस्टर में देख लेते हैं। तो मित्रों फिफ्थ सेमेस्टर के आपके कोर्स देख लेते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के जो कोर्स हैं आपको मिल जाएंगे, रेनफेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर मिल जाएगा, क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड खरीफ क्रॉप मिल जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मिल जाएगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस मिल जाएगा, प्रोटेक्ट कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर मिल जाएगा, डिजीज ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चर क्रॉप्स एंड रियर मैनेजमेंट मिल जाएगा, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप मिल जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मिल जाएगा, इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिल जाएगा, फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इश्यूज मिल जाएगा, और इलेक्टिव फर्स्ट मिल जाएगा। तो इतने सारे सब्जेक्ट आपको फिफ्थ सेमेस्टर में मिलने वाले हैं। बाकी जो इवोल्यूशन मार्क है इसको हमने बता दिया है ऊपर, आप वहाँ समझ सकते हैं। बाकी सिक्स सेमेस्टर देख लेते हैं। सिस्टम में भी मित्रों हमारे जो सब्जेक्ट आ चुके हैं फार्मिंग सिस्टम, प्रेसिजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आ जाएगा,
प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाएगा, क्रॉप इंप्रूवमेंट सेकंड का रबी क्रॉप का आ जाएगा, मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट आ जाएगा, फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स आ जाएगा, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी आ जाएगा, डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड डियर मैनेजमेंट सेकंड आ जाएगा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फूड्स ऑफ वेजिटेबल्स आ जाएगा, वाटर सेड एंड वाटर लैंड मैनेजमेंट आ जाएगा और इलेक्टिव सेकंड आ जाएगा जो एजुकेशनल टूर। ये सब आपके इंपॉर्टेंट थे। बाकी सेवन सेमेस्टर में देख लेते हैं मित्रों, मेटर की बात कर लिया जाए तो रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस एंड एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, तो ये आपका जो एक्सपीरियंस है उसका एक सारणी बनाने के लिए दिया जाएगा। वो हो सकता है आने वाले समय में सिलेबस बदल जाए, लेकिन अभी के जो सिलेबस के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस नोटिस करना होता है वो किस प्रकार है, वो सारे सब्जेक्ट है। एक प्रकार से मान लीजिए कि सेमेस्टर में आपको अब शुरू से लेके सिक्स सेमेस्टर तक जितनी भी स्टडी की है वो सारी चीज़ें होंगी, और सीआर के जो नया सिलेबस आया है उसके अनुसार सेवन और एट सेमेस्टर में आपको स्टडी नहीं करना है, केवल प्रैक्टिकल वर्क करने हैं। प्रैक्टिकल वर्क में क्या है कि एक्सपीरियंस अपने नोटिस करने हैं, नोट करने हैं, इसमें आपको अपने एक्सपीरियंस नोटिस करने होते हैं। इसमें सेवन्थ और एट सेमेस्टर में स्टडी का कोई प्रावधान अभी जो था हटा दिया गया है। तो मित्रों इसमें हम लोग देख लेते हैं जनरल ओरिएंटेशन एंड कैंपस ट्रेनिंग बाय डिफरेंट फैकल्टीज, आपको जो होगा कैंपस ट्रेनिंग कराई जाएगी, विलेज अटैचमेंट कराया जाएगा, किस कोई पास में विलेज से अटैच कराया जाएगा। जो सेवन सेमेस्टर होता है आपको इसमें क्या क्या करने होंगे, जो क्रेडिट होगी 14 होगी बाद में आपको समझाएंगे, लेकिन इसमें आपको जो यूनिट अटैचमेंट होगा, जो यूनिट बनाया जाएगा एक कॉलेज से कनेक्ट होगा या KVK से, वो कृषि विज्ञान केंद्र रिसर्च सेंटर है उससे अटैचमेंट कराया जाएगा, एक प्लांट क्लिनिक बनाया जाएगा, एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट होगा, जो एग्रो इंडस्ट्रियल जितनी हैं उनसे आपको अटैचमेंट कराया जाएगा, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस नोटिस करने होंगे जो आपको करना होगा, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होगा, प्रिपरेशन करना होगा, और प्रेजेंटेशन एंड इवोल्यूशन जो आप तैयार किएंगे उसका प्रेजेंटेशन करना होगा, फिर उसका इवोल्यूशन होगा जिसके माध्यम से आपको नंबर मिलेगा। जो टोटल वीक फॉर RAW ये रावे होता है, रावे मित्रों रावे आता है, अभी आप रावे नहीं जानते होंगे लेकिन हम जल्द ही आपको रावे का पूरा डिटेल देने वाले हैं। बाकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाएगा उसको देख लेते हैं, बस हल्के में देखेंगे मित्रों, डीप नहीं जानने वाले हैं क्योंकि ये सब आपके भी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, फोर्थ सेमेस्टर तक आप पहुँचते पहुँचते जान जाएंगे, नहीं तो मैं इसके अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। हल्के में देखते हैं एग्रोनॉमी, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, सोयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड डेयरिंग इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सोयल कंजर्वेशन, एंटोमोलॉजी। वही प्रैक्टिकल की चीज़ें थी, हमने देखा दिया है RAW के माध्यम से ये आपका जो इवोल्यूशन होगा, मार्क इवोल्यूशन होगा इसी के माध्यम से होगा, ये चीज़ें आप जान चुके हैं। जो मित्रों आठवां सेमेस्टर होता है, आठवें सेमेस्टर में भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें मॉड्यूल फॉर स्किल डेवलपमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, अ स्टूडेंट हैज़ टू रजिस्टर 20 क्रेडिट ऑप्शन फॉर टू मॉड्यूल्स, 0+10 क्रेडिट ईच, टोटल 20 क्रेडिट फ्रॉम द पैकेज ऑफ मॉड्यूल्स, यानी एक पैकेज तैयार किया जाता है जो कि ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनकी आपको अब ज़्यादा बेसिक ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आठवें सेमेस्टर और सेवन सेमेस्टर पर अलग से टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप इतना जान लीजिए कि इसमें आपको एक पैकेज तैयार किया जाता है, यानी एक ये लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर होता है, इसमें आपको सारे जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उन पर जैसे सीड प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी पर एक पैकेज तैयार करना होगा जो कि 20 क्रेडिट का होते हैं, ऐसे फूड प्रोसेसिंग पर ऐसे सारे सब्जेक्टों पर तैयार किया जाता है। तो इसमें आपको विलेज अटैचमेंट सेवन सेमेस्टर से ही शुरू हो जाएगा जिसका असर पर भी पड़ता है। बाकी मित्रों ये रही BSc एग्रीकल्चर के जो आठों सेमेस्टर थे उनके सिलेबस और सब्जेक्ट मित्रों, और इसमें छोटी सी बड़ी जानकारी हम देने की पूरी कोशिश की है।